बहुत आश्चर्यजनक चीज हुई है। अरे काट लो फुट फुट ऐसा देखो, ये हमको पहचान है ना, पीके हो पीके हम बॉर्डर पास में आया, हमको एक बंदा मिला एकदम विराट कोहली लग रहा है। एक बहुत आश्चर्यजनक चीज हुई हमारे साथ, गोविंदा सर मिले हैं। सर आई एम बिग फैन सर। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। जितने भी आप शो देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, जो डांस वगैरह के हैं, इंडियन आइडल, और सारे उसमें आ रहा प्राइम स्टूडियो में, यो फिल्म सिटी लिख रहा, और यो भाई इंडोर जा रहे हैं बॉलीवुड थीम पार्क का। जो इसके अंदर है भाई वो तीन वो एक्टिविटी, एक तो बॉलीवुड शो यहाँ पे आधे घंटे का, फिर क्रोमा शो, फिर एक है 7D शो। इसलिए भाई यहाँ पे आप फोटो वीडियो ले सकते हैं जो भी है, और यहाँ पे भाई गूगल पे रिव्यू डाल के, जो टिकट आई है फोन में उसका रिव्यू डाल के, एक बॉलीवुड के कॉस्ट्यूम है, आप कोई भी कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं। इसके भाई आप थोड़ा सा जैसे ही अंदर आओगे तो ये 3 Idiot के पाछे दरे यो सिंहासन दरिया, यो हमारा जेल बन रहा, और यह है कितनी लंबी बाइक जो चल रहा है कि नहीं बेरा है कोना। ऐसा मत करो मेरी जान। एक यो वीडियो रिकॉर्डिंग का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, और फिर जो यो बैंड शाही आ रहा, फिर शाही जो एंट्री आ रहा, बहुत आश्चर्यजनक चीज हुई है भाई। पीके। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने कहा है सब पीके बुलावत। फाइनली इतनी चीजें घूमने के बाद लाइव शो स्टार्ट। ओ माय गॉड, व्हाट ए एसी ब्रो, कहाँ पे बैठे हम, कहाँ बैठे हम ऑगी, कहाँ बैठे हम ऑगी, मेरी पूंछ छोड़ दे, लगता है तू ऐसे नहीं मरेगा। ओ माय गॉड, नाइस लाइटिंग, हार्ट बेबी आई लव यू, आई लव यू टू। अरे भाई वाह, फीलिंग आना है, जो कर कपिल शर्मा के शो में नहीं बैठे, बाकी भाई एसी तगड़ा है, नाइस नाइस। फ्रांस के रहने वाले दो भाई ऑगस्ट और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म दर्शाई थी। अगले ही वर्ष 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने बॉम्बे, हमारे आज के मुंबई में पहली बार अपनी चलचित्र दर्शाई थी। शुरू में तो हमारी आम जनता किसे मायावी दानवी ताकत समझकर इससे भयभीत हो गई। फिर एक ऐसा सितारा आया जिसे पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल हुआ, राजेश खन्ना को मिली न भूतो न भविष्य दे, किसी कलाकार को नहीं मिली। हास्य कलाकारों का अपना विशेष योगदान रहा है फिल्मों की सक्सेस में। रहे और जिंदगी में चलने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। वैसे आज हमारे बीच एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद है जिनको आपने बहुत सारे शोज में देखा होगा, जैसे कि द लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कल। मुझको जलाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सुनने की चीज हूँ, देखने की बिल्कुल नहीं। आप मुझे नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा, और जिसने मुझे देखना था उसने मुझे 10 साल पहले देख लिया, और ऐसा देखा ही मैं किसी और के देखने के लायक बचा नहीं। मेरे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बता, जब ये गर्म तवे पर ये कॉर्न फूड के पॉपकॉर्न बनता है तो सब उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ गया। मैं तो बाहर निकला फिल्म सिटी में गार्डन में, एक गार्डन में एक बच्चा बैठा बेंच पे आराम से चॉकलेट खा रहा था, 1, 2, 3, 4, 10 चॉकलेट खा गए एक झटके में। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता पता है। तो मुझको बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने पूछा बेटा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। परफॉर्मेंस डेडिकेट टू गोविंदा। Yeah.
एक इंसान होता है, कम से कम एक इंसान ऐसा होता है जहां पे हमें जुनून नहीं होता है, हमें सुकून होता है, जहां पे उनको याद करने से, उनके साथ 15 सेकंड 30 सेकंड बात भी करने से हमें ये फील होता है कि यार यहाँ पे ना मुझे सुकून है, यहाँ पे जुनून नहीं है। लेकिन उस एक पर्सन के लिए ये वो गाना है, इसकी बुक लाने में चाहता हूँ, सब मिल जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। गाओगे मेरे साथ? या। वाह क्या सीन है। तो भाई बॉलीवुड शो होता है यहाँ खत्म, एक नंबर का मजा आ गया भाई। वो जो एक्टर ट्राई गया फोटो फाटो भीतर भाई अंग्रेज कैद कर दिया अरे। तो भाई दूसरा शो है करोमा वाला, ये भाई एडिटिंग रूम है, ये मिक्स मास्टरिंग, जो भी वीडियो मतलब रिलेटेड है फिल्मों कैसे बनती है वो बताया जाएगा शायद यहाँ पे, जहाँ तक मेरी चिक सेंस कह रही है, पर मेरी गलत तो है हर बार। यहाँ के कलाकार पर्दे पे नजर नहीं आते लेकिन बेजान फिल्मों में जान डालते हैं यहाँ के टेक्नीशियंस। आपने कई फिल्में देखी होंगी, वो सीन समझ में नहीं आए होंगे कि इस सीन में तो यार कलाकार बच नहीं सकता, ये कैसे हो गया, वो से सीन जो समझ में नहीं आते, स्पाइडरमैन कैसे उठता है, जो भी। तो आज हम पर्दे के पीछे का मूल मंत्र आपको बताएंगे। तो आज हम मेरी फिल्म के थंब में आए हैं, बोलो ओम ओम फिल्माय नमः, फिल्माय नमः, ओम सिनेमाय नमः, सिनेमाय नमः, ओम लाइट कैमरा एक्शन नमः, ओम नमः शिवाय। कपिल शर्मा शो है, केबीसी शो है, इंडियन आइडल है, तो लोग वहाँ एक साथ लोग ताली बजाते हैं, एक साथ लोग हंसते हैं। एक्चुअली क्या कैमरिंग जो डायरेक्टर होता है वो ऑडियंस को चूस करता है, बताता है कि जब शो शुरू हो जाए तो मैं इशारा करूँ कहाँ कहाँ हंसना है। कभी बचपन तो कभी जवानी है, वाह 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 वाह, गुजरती किस तरह से जिंदगानी है, वाह 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 वाह, कौन किस पर मेहरबान होता है, बॉलीवुड में आप आए स्वागत भरी मेहरबानी, वाह 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 वाह। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, बाद में इफेक्ट दिया जाता है जैसे एक्टिंग कर रहे जैसे मतलब आग लग गई हो, बाद में इफेक्ट दिया है तो ऐसा लगा देखने वालों को जैसे वन टेक में सब कुछ हो गया हो। चंदन की लकड़ियों का शॉट, ये ट्रक है आधा अधूरा, ग्राफिक्स के माध्यम से इसको बनाया गया है पूरा का पूरा। स्पाइडरमैन, शक्तिमान, ही-मैन, क्रिश जैसे कलाकार भी इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उड़ते हैं। कितनी आवाज एक साथ, रॉकेट की आवाज, ये भी फेक साउंड है, फॉली साउंड है, उसे भी एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये आवाज किस तरह से बनी होगी आगे देखते हैं वीडियो के साथ। क्रोमा वाले से आए हैं और जो मतलब लाइव डेमो भी दिखाया है वीडियो शूट करके, बड़ी भाईयात एक्टिंग करी छोरियाने भी। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। और अब जा रहे हैं भाई 70 शो, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये बहुत बढ़िया भाई 70, ये क्या बात है यार, पूरा फील आ रहा है भाई 70 देखने में, मजे ही मजे, इलाका गारी है लेकिन ये डर है भाई, पानी सिस्टम है क्योंकि अपना सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। मुंबई में पुलिस थाना उदयपुर बना रही है भाई। सो ये था भाई पूरा मुंबई फिल्म सिटी का व्लॉग वीडियो, और भाई अच्छा तो कि मिला गया होगा, सीखने नहीं मिला होगा भाई, बहुत कुछ नई चीजें हैं यार, मस्ट वॉच जगह है भाई, आओ जैसे भी आओ
टैक्सी करके आओ, रेलवे स्टेशन तो आओ, गोरेगांव सिटी में जैसे भी आओ जरूर आओ भाई, जी लाग जाएगा भाई, जी सा आ जाएगा, 1100 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो फिर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो अपने चैनल ने, शॉर्ट्स देखियो तो हम एक एक नंबर के शॉर्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।